आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैंने उसमें लिए हैं कोरिएंडर लीव्स, उसकी स्टिक्स लिए हैं, अनियन लिया है, मशरूम लिया है, ब्रोकली लिया है, कैप्सिकम लिया है, आप गाजर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जो भी सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल हो वो आप इंक्लूड कर सकते हो, बट कोरिएंडर और कोरिएंडर स्टिक्स सबसे ज़्यादा इसमें रहेंगे। फिर मैंने एक चॉपर लिया है और इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। कुछ गार्लिक क्लॉव्स डाले हैं और एक हरी मिर्ची डाली है, इन सबको हम लोग हल्का सा चॉप कर लेंगे। देन एक पैन लेंगे, उसमें मैंने डाला है एक चम्मच देसी घी। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो तो आपका सूप और अच्छा और क्रीमी बनेगा। 1 टीस्पून आपने बटर या घी जो भी आपको यूज़ करना हो आप इंक्लूड कर सकते हो। देन ये सारे मटेरियल को हम हल्का सा हम सॉटेड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उसको कुक नहीं करना है, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा उसको पकाएंगे। सॉल्ट इंक्लूड करेंगे, पानी इंक्लूड करेंगे, फ्यू स्लाइसेस ऑफ लेमन। जब ये अच्छे से बॉइल हो जाएगा आफ्टर डैट इसमें लेमन के स्लाइसेस डालें, उससे पहले अगर डालेंगे तो सूप जो है वो कड़वा हो जाएगा। देन जैसे ही कुक हो जाएगा उसमें लेमन को स्क्वीज कर देंगे और एक बॉइल आने देंगे बस, और उसके बाद उसमें कोरिएंडर जूस। तो हमारा सूप हो चुका है रेडी।